एक लड़की अपने शोहर के साथ बैठी हुई थी कि अचानक लड़की की एक दोस्त का फ़ोन आता है। लड़की मोबाइल शोहर को पकड़ाते हुए बोली, ज़रा प्लीज़ इसे कह दें कि मेरी बीवी आज घर पर नहीं है, तुम मत आना। शोहर फ़ोन उठाकर कहता है कि शुमाइला घर पर ही है, आज तुम मत आना। बीवी गुस्से से, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि इसे मना कर दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, अब वो आएगी और मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब कर देगी। शोहर, जानू मेरा यकीन करो, अब वो नहीं आएगी। बीवी, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? शोहर, क्योंकि ये मोबाइल तुम्हारा नहीं मेरा है, और ये कॉल तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आई थी। दो सहेलियां आपस में बैठकर बात कर रही थीं। पहली लड़की बोली, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी लड़की ने परेशानी की वजह पूछी। पहली लड़की कहने लगी कि अब्बा जी ने इस माह खर्चा नहीं दिया, पैसे ना होने की वजह से परेशान हूँ। पहली लड़की, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे कुछ ही देर में पैसे ही पैसे होंगे। पहली लड़की, जल्दी बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरी लड़की, एक मंत्र है जिसे मोबाइल में लिखो और 10 लोगों को एक साथ फॉरवर्ड कर दो तो माल ही माल होगा। पहली लड़की, बताओ बताओ जल्दी बताओ। दूसरी लड़की, लिखो, जानू मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मगर क्या करूँ, बैलेंस ही नहीं, क्या तुम मुझे 100 रुपये का इजी लोड करवा दोगे?